हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मेरी वीडियो कुछ नए प्लांट्स की मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ अपनी नियर बाय नर्सरी से। तो जैसे कि सावन का महीना, बरसात है शुरू हो गई है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है कुछ नए प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स हैं जो वो शॉपिंग करके लेके आई हूँ और उनके रेट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट प्लांट है, सबसे पहले वो ये है लेमन का प्लांट है। कागज़ी नींबू था मेरे पास, ये मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का नींबू का प्लांट लिया है, तो ये मेरे को 100 रुपीज़ का मिला है। इसकी थोड़ी सी मैं प्रूनिंग कर दूँगी, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो लंबी हैं काफ़ी ना, तो थोड़ी प्रूनिंग करूँगी, थोड़ा सा बुशी हो जाएगा ये। तो अब मैं बताऊँगी जब मैं इसको ट्रांसप्लांट कर लूँगी कि मैंने कब किया है इसको ट्रांसप्लांट। तो ये मेरा है फर्स्ट, मेरी जो शॉपिंग है ये इसी की है। जो नेक्स्ट है मेरा, ये एक्सोरा का प्लांट है। आजकल बहुत सही टाइम है, इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है मैंने 70 रुपीज़ का परचेज़ किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें फ्लावर्स आते हैं, तो बंचेज़ में खिलते हैं ये फ्लावर्स। तो अगर आपके आसपास है तो आप कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। रेड कलर इसमें बहुत वैरायटीज़ हैं, मैंने रेड कलर का लिया है। तो कैसा लगा है आपको ये? ये मेरा सेकंड प्लांट है। जो थर्ड प्लांट है वो है चेरी का प्लांट है। तो ये मैंने ऐड किया है अपने टेरेस गार्डन में। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्रो करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में, तो अभी देखते हैं ग्रो करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर देखते हैं। ये भी 100 रुपीज़ का ही है। और अगला जो है ये है अमरूद का, आपको पहचान गए होंगे पत्तों से। ठीक है, तो दो टाइप के अमरूद होते, तो बहुत टाइप के हैं, बट जैसे एक रेड होता है बेसिकली और एक वाइट होता है, तो ये रेड वाली वैरायटी है। बाहर से ग्रीन होगा, अंदर से ये रेड है जो तो उन्होंने बोला है। हालांकि कई जो ऐसे भी आते हैं जिनमें रेड कलर के होते हैं, ये भी मेरे को जो है 100 रुपीज़ का ही मिला है। अगला है ये, देखिए ये है चीकू का प्लांट है ये। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये जैसे कि इनकी एज के हिसाब से है तो ये 3-4 साल पुराना प्लांट है। और इसमें देखिए जैसे फ्लावर्स खिले भी हुए हैं, जो फ्रूट्स हैं वो लगे हुए हैं छोटे छोटे से। और ये जो प्लांट है मुझे 350 रुपीज़ का मिला है। आप बताइएगा कि वहाँ के आपकी जो नर्सरीज़ हैं वहाँ पे क्या रेट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इसी तरह से जो रेट हैं वो थोड़े से, मेरे को लगता है थोड़े ज़्यादा ही लगता है मुझे यहाँ पे रहते हैं रेट। तो ये नेक्स्ट जो प्लांट है ये आम का है, मैंगो की एक डिफरेंट वेराइटी है आम्रपाली, जो कि उन्होंने बताया बड़े बड़े आम जो हैं इसमें लगेंगे। एक और है मेरे पास, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये डिफरेंट थोड़ा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है। और ये मेरे को जो है 250 रुपीज़ का मिला है। काफ़ी इसकी भी एज 1 या 2-3 साल तो होगी ही इसकी एज, जो जैसा कि मेरे को उन्होंने बताया, माली ने बताया। तो ये देखिए ये सारे जो है ये प्लांट्स हैं अपने गार्डन में ऐड किए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करें।